नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मरीजों की संख्या पहुंची 415। महज एक महीने के अंदर 108 देशों में 150,000 से ज्यादा संक्रमित। क्रिसमस वीकेंड पर रद्द करनी पड़ी 4,500 फ्लाइट्स। कोरोना सहित ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। 10 राज्यों में उतारी गई केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार की माली हालत खराब, सरकार से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका, जापान समेत पूरी दुनिया को डरा रही महंगाई, नए साल में राहत की उम्मीद नहीं। कैटरीना कैफ ने शादी के बाद शुरू की नई फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग। साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ होगी शूटिंग। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत, पिछले 8 दिनों में 5 कैदियों ने तोड़ा दम। लुधियाना ब्लास्ट केस में हुआ बड़ा खुलासा, लुधियाना ब्लास्ट का खालिस्तानी कनेक्शन, डीजीपी ने कहा आतंकियों और ड्रग माफियाओं ने रची साजिश। क्रिकेटर हरभजन सिंह के संन्यास लेने से इमोशनल हुए द्रविड़ और कोहली, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। कानपुर में पीयूष जैन के बाद अब कन्नौज में इत्र कारोबारी रानू मिश्रा के घर कारखानों पर पड़ा आईटी का छापा, विजिलेंस टीम कर रही है जांच। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज, सीएम योगी सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। एशिया को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है ओमिक्रॉन, 6 खाड़ी देशों में फैल रहा सबसे ज्यादा संक्रमण। नाराज हरक सिंह रावत ने अपने करीबियों के सामने साझा किया दर्द, कहा कोट द्वार के लिए मेडिकल कॉलेज मांगकर गलती नहीं की। कांग्रेस पार्टी में जाने की खबर, रावत के साथ भाजपा के कई एमएलए भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन वितरण अभियान का किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। मेरठ में रंगीन रोशनी में जगमगाए गिरजाघर, मुक्तिदाता यीशु के आगमन पर झूमे श्रद्धालु। पंजाब में हाजी गल्ला की 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, मेरठ पुलिस ने जुटाए दस्तावेज। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की कुलपति बनी प्रोफेसर संध्या शुक्ला, कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखी, बोली संस्थान को आगे ले जाने के लिए एकजुटता से करें काम। स्लीवलेस टॉप पहन नागिन बन निकली मोनालिसा, भोजपुरी बाला ने क्रिसमस पर दिखाई अदाएं। 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना होगा महंगा, ऐप आधारित फूड डिलीवरी ऐप को अब देना होगा 5% GST। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत, बोले पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आए तो जरूर बताएंगे।